हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेकिंग। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं कि हम लोग एवी मैप कैसे बेक करते हैं, एवी मैप एंड डिफ्यूज़ मैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करेंगे, सेलेक्ट वन मटेरियल। ठीक है, अपने मॉडल को एक कॉपी करते हैं, यहाँ पे बाहर निकलते हैं, सेलेक्ट मॉडल T4 टॉप एंड जेट। ठीक है, और देन जस्ट कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉपी। ठीक है, इंस्टेंस नहीं, कॉपी करते हैं यहाँ पे कॉपी 1 2। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं मिड वाले को, ऑल्ट क्यू P4 परस्पेक्टिव एंड जेट। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लाइक सेलेक्ट करते हैं मैंने एक सिंपल एक मटेरियल अप्लाई, नॉर्मल एक मटेरियल अप्लाई कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे एक स्काईलाइट लेते हैं, स्टैंडर्ड में जाके स्काईलाइट। ठीक है, मॉडल है, मॉडल का हम लोगों ने अडैप्ट कर रखा है, मैं आपको यूवीज दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक बेसिक यूवीज है, यूवी सेट बना रखा है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या काम करना है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं रेंडरिंग में। रेंडरिंग में एक ऑप्शन है रेंडर टू टेक्सचर, दिस इज कॉल्ड रेंडर टू टेक्सचर। ठीक है, रेंडर टू टेक्सचर में आपका बॉडी आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे, लाइक ऊपर है आपका पाथ, पाथ मतलब आपका ये टेक्सचर कहाँ सेव होने वाला है। ठीक है, डी में है, डी में आपका लाइक एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, डी में सभी एंड देन डैट करके यहाँ पे टेक्सचर का फोल्डर है। ठीक है, ओके, तो आप चाहो तो डेस्कटॉप पे बना लो या क्रिएट करते हैं मेकअप फोल्डर। ठीक है, बेकिंग आप लिख सकते हो AO बेकिंग। ठीक है, कैरेक्टर सिलेक्टेड है मेरे पास यहाँ पे। ओके, पाथ आपको पता चल गया, बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को समझना है यहाँ पे। जब मेरे पास हाई पॉली या लो पॉली मॉडल होता है तो मैं इन प्रोजेक्शन को यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास एक ही मॉडल है, एक मॉडल के लिए सिंपल हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी आएगा, मैपिंग कोऑर्डिनेट्स। मैपिंग कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या है, लाइक यूज़ एग्जिस्टिंग चैनल और यूज़ ऑटोमेटिक अनरैप। अगर आपने मॉडल को अनरैप किया हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग चैनल को यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपने मॉडल को अनरैप नहीं किया हुआ तो सेकेंड वाले को यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक अनरैप कर देता है, तरीके से नहीं करेगा लेकिन कर देगा। ठीक है, ऐड करने यहाँ पे ऐड हम लोग करते हैं लाइट मैप। लाइट मैप मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, छोटे में ट्राई करते हैं, सिंपल द पार्ट, लाइक मैंने 128 पर ट्राई किया यहाँ पे। लाइट मैप को एवी मैप भी कहते हैं, छोटा सा मैप है यहाँ पे। ठीक है, बेक मटेरियल इफ़ यू वांट कि, ठीक है, हमारे जो मटेरियल है जो यूज़ किया हुआ है वो भी है, तो आप सेफ सोर्स में कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक मैपिंग अगर मैं वो ऑप्शन यूज़ करता ऊपर वाला तो यहाँ के कुछ फीचर्स थे। ठीक है, बाकी चीज़ का यूज़ कुछ नहीं है, जस्ट क्लिक एंड अंडर कंटिन्यू करो आप यहाँ पे, ये आपका ए मैप का इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइज थोड़ा बड़ा करके देखते हैं यहाँ पे, लाइक 500 बार करते हैं यहाँ पे, ओवरराइट करना है, ओवरराइट फाइल करो यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर जो डेप्थ है ना, डेप्थ कैसा आ रहा है, इसके अंदर फ्लैट सा इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, इस फ्लैट से इम्पैक्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं देखता हूँ पे। ठीक है, मैं सीन में जो भी चीज़ें, राइट क्लिक अनहाइड ऑल या एच प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, नन कर दिया मैंने यहाँ पे। लाइट चेक करना, लाइट कितने, स्काई लाइट ही है। ओके, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, एच प्रेस करते हैं यहाँ पे, लाइट बहुत सही मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और लाइट का इम्पैक्ट भी मेरे पास यहाँ पे आएगा। इन तीनों लाइट को मैं ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक एक लाइट मेरे पास पहले से है तो स्काई लाइट, तो मैं काम करता हूँ दो वन थिंग, एक लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, जब लाइटें बहुत ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे इम्पैक्ट खराब हो सकता है, लाइक ओके, सेलेक्ट कर दिया मैंने मॉडल, ऑल्ट क्यू, देन एक बार फिर से ट्राई करें, जीरो प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, चेंजेस आए यहाँ पे, कलर में चेंजेस आ गए आपके यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें देखने के कौन से इंजन पर निकाला है, रेंडर इंजन मेरे पास कौन सा है, स्कैन लाइन, स्कैन लाइन पर मैंने निकाला यहाँ पे। ठीक है, स्कैन लाइन पे मेरे पास इम्पैक्ट क्या आ रहा है, लाइक फ्लैट सा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इसी को मैं अलग अलग कलर में यूज़ कर दूँ, लाइक जैसे देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइट मैप का पार्ट देखा, एक कंप्लीट मैप ट्राई करते हैं, कंप्लीट मैप ट्राई किया मैंने यहाँ पे, देन रेंडर टू टेक्सचर, ये पार्ट ऊपर जो आ रहा है। अब देखो हमारे पास पाथ कहाँ है, पाथ पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक मैंने पाथ कॉपी कर दिया, कॉपी एंड विंडो आर एंड कंट्रोल वी, देन एंटर माय कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप एओ बेकिंग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, लाइक अब मैं इंजन को चेंज करता हूँ, मेरे पास बाई डिफॉल्ट था स्कैन लाइन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं मेंटल है, एक्चुअली एम्बिएंट ओक्लूजन सपोर्ट भी करता है मेंटल को, देन हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड यहाँ पे एम्बिएंट ओक्लूजन MR ऐड करते हैं यहाँ पे, देन आप चीज़ों को देख लो, जो भी साइज देना है 512 1K। ठीक है, जस्ट क्लिक एंड रेंडर, आपको यहाँ पे टेक्सचर के अंदर लाइक बेकिंग के अंदर आपको डेप्थ दिखना स्टार्ट होगा, जो आपने मॉडल बना रखा है वैसे ही आपको लुक एंड फील दिखना स्टार्ट होगा।
जैसे ये मैप कंप्लीट होगा आपके पास यहाँ पे मैप फ्यूजल हो जाएगा आपके यहाँ पे। इसके बनाने के भी कई तरीके, लाइक एक एक मतलब एक ही चीज़ के कई ऐसे प्रोसेस हैं। ओके देखो ये आपका एम्बेड इंक्लूजन मैप, इसको हम लोग और बेटर क्वालिटी में निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितने से क्वालिटी में आप निकालोगे, लाइक यहाँ पे कई ऐसे ऑप्शन हैं यहाँ पे कि हम लोग एम्बेड इंक्लूजन को किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे मैक्स डिस्टेंस कितना है, सैम्पल्स कितने हैं, सैम्पल्स अगर मुझे मैनेज करने, नॉइज़ ज़्यादा था मैंने यहाँ पे कर दिया यार, मुझे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो मैंने कर दिया 100 से मैं 200 में भी जा सकता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस वाइज लाइक डिस्टेंस मैंने कर दिया, सपोज कैमरे से कितने डिस्टेंस पे मैंने कर दिया 5। अब एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग डेटा ले सकते हैं यहाँ पे, चेक करो आप यहाँ पे। इवन मैं एक चीज़ और मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे C4 कैमरा कैमरा 1 एंड C4 कैमरा कैमरा 2। ठीक है, कैमरा 1 पे चलते हैं, मेरे पास डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास ओके टेप है, सपोज यहाँ पे मेरा कैमरा, तो मैं कैमरे से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक 123 समथिंग है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट सेटअप पे चलते हैं, यहाँ पे जेनिक पे कर देना आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ओके 3755। ओके जीरो प्रेस करके था, जीरो शॉर्टकट है आपके यहाँ पे। बेकिंग पे दे जो भी मेरे पास मॉडल सेलेक्ट है, एम्बेंट ऑक्लूजन यहाँ पे देखिएगा आपका, एग्जाम्पल्स मैंने कर 256। ठीक है, डिस्टेंस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लाइक 5000 के अराउंड। ठीक है, डार्क को बहुत डार्क नहीं करना, मैं हल्का सा कलर चेंज कर देना। इसमें कुछ कुछ चेंजेस मिलेंगे, वो चेंजेस आपको दिखेंगे यहाँ पे। ओके जैसे हम लोगों ने बेक किया, बेक करने वाला कुछ क्वालिटी हमने इम्प्रूव किया, यहाँ पे नॉइज आपका चला जाएगा। तो देन गाइज इस तरह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक वाला एरिया है वो क्या कवर्ड है, एक दूसरे के ऊपर कवर्ड होगा तो ब्लैक आएगा, इसके ऊपर हेयर है तो इसलिए ब्लैक यहाँ पर आ रहा है, इसकी नीड नहीं है। तो ऐसे हम लोग बेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और टेक्सचरिंग के अंदर भी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे लाइक ये बस ए है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में निकालोगे, अच्छा टाइम लेगा, अच्छे साइज़ में निकालोगे, तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डिफ्यूज़ मैप पे, डिफ्यूज़ मैप कैसे बेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक मैं यहाँ पे ना मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर देना साइन करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा कलर। जैसे सपोज मैंने आईडी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ जगह पे जो कलर मुझे देना है मैंने कलर यहाँ पे साइन कर दिया। लाइक कैसे हम लोग कलर साइन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक आइडिया देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोलैप्स टू, सपोज जो मेरे पास पॉलीगन है यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट पे गए, एफ फॉर फ्रंट, ठीक है, एल फॉर लेफ्ट, एंड देन मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल से बात एक नॉर्मल मटेरियल मैंने साइन कर रखा है यहाँ पे। ओके लैसो टूल लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने पॉलीगन्स, मैंने इस पर कलर साइन कर दिया, लाइक स्किन का कलर मेरे पास है तो स्किन के कलर के लिए आप चीज़ को मैनेज करता हूँ, सेलेक्ट किया देन असाइन कर दिया मेरे पास, ये असाइन हो गया। ठीक है, कंट्रोल आई पे मैंने काम कर दिया यहाँ पे, सपोज मुझे यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करना है, मैं ब्लू कलर यूज़ करके यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, ये नॉर्मल कलर असाइन करना होता है, तो इसी का मैंने यहाँ पे कुछ आइडियाज मैंने चीज़ को बना रखा है, यहाँ पे असाइन कर दिया मेरे पास कुछ पार्ट यहाँ पे, जिसमें आप चीज़ों को देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग आईडीज हैं, आईडीज के साथ आप प्ले कर सकते हो यहाँ पे, जैसे सेलेक्ट कर दे सेलेक्ट वन, सेलेक्ट आईडी वन कर दे मेरे पास, वन इज़ दिस। ठीक है, जैसे अभी मैंने चेंज किया ना, तो वन ये हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, ओके जैसे ये मैंने आप आईडी बना रखा पहले से। ठीक है, सेलेक्ट आईडी वन, सेलेक्ट करो, वन आ गया, सेलेक्ट टू, टू आ गया, थ्री, थ्री आ जाएगा आपके यहाँ पे, एंड फोर,
पॉलीगन सिलेक्ट करो, देन कलर असाइन करो, दैट इज कॉल्ड आई डी मैप। ठीक है, ये आई डी मैप बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैंने आई डी दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग कलर। ठीक है, और देन बेकिंग में जाएंगे। बेकिंग में हमें क्या करना, क्या काम करना है, यहाँ पे प्रेस जीरो, जीरो शॉर्टकट है आपके। यहाँ पे सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपका जैसे लाइट मैप है, लाइट मैप आपका एम्बिएंट ओक्लूजन और लाइट मैप सेम है। अब यहाँ पे कंप्लीट मैप में आके देखते हैं, जैसे हम ऐड ऑन करें, यहाँ पे डिफ्यूज मैप है, डिफ्यूज मैप मैंने ऐड ऑन कर दिया। साइज जो भी आपको लेना है 512x1K। ठीक है, और देन आपको यहाँ पे क्या करना है, रेंडर। जो ये आते हैं डिफ्यूज मैप नहीं है, डिफ्यूज मैप की पहली पहचान क्या है कि उसका ना सब कुछ फ्लैट आएगा, लाइक उसमें डेप्थ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे डेप्थ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो दैट इज नॉट डिफ्यूज मैप। ठीक है, ये क्या है कि हमें यहाँ पे देखना है कि यार जो हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लैट कलर आए, उसे हम लोग डिफ्यूज मैप भी कहते हैं, उसे हम लोग आई डी मैप भी कहते हैं। हर जगह अलग अलग पार्ट है, आई डी मैप, डिफ्यूज मैप। लाइक आप कंपोजिटिंग में जाओगे वहाँ पर आई डी मैप भी कहेंगे। ठीक है, कलर मैप भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए यार कौन कौन से मैप हैं। ठीक है, लाइक इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ओके, जैसे देखो यहाँ पे, ये हमारा एम्बिएंट ओक्लूजन मैप हो जाता है, और दिस इज कॉल आपका आईडी मैप। ठीक है, तो इसी टाइप से मैप निकल के आएगा यहाँ पे। जस्ट जैसे ही मैप सिलेंडर होगा वैसे हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज आवर आईडी मैप। या आप कह सकते हो आईडी मैप कह सकते हो, डिफ्यूज मैप भी कह सकते हो। तो देखो इनका यूज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। अगर मैं मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना, तो मैं कैसे करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया सिंपल, मेरे पास एओ मैप है, मैंने आई डी मैप को कॉल किया यहाँ पे, और देन यहाँ पे नॉर्मल देखें, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा होगा। ठीक है, फ्लैट करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको बेसिक डेप्थ आना आपका स्टार्ट हो जाता है। जो आप डीपी में आप काम करते हो, ये ऐसे बेसिक डेप्थ बनाने वाला पार्ट, वो बेसिक डेप्थ आपको मिल जाएगा विद एओ एंड डिफ्यूज के साथ। इसी को हम लोग आई डी मैप भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल जे कर दें मैंने यहाँ पे, एंड नॉर्मल कर दें नॉर्मल। ठीक है, लाइक मैं सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया। तो मुझे बार बार पॉलीगन्स में जाकर सेलेक्ट नहीं करना होगा, या मुझे बार बार यूवी में जाकर सेलेक्ट नहीं करना होगा, मेरा ये काम आसान हो जाएगा। लाइक सेलेक्ट पे गए एंड सिमिलर, तो इसके जो भी सिलेक्टेड कलर होगा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देन इसमें कुछ प्रोसेस भी है जिनको यूज़ किया गया, लाइक स्किन टोन। जैसे मैंने आपको बताया स्किन का टेक्सचर हम लोग आराम से बना सकते हैं यहाँ पे। स्किन के टेक्सचर के लिए मैंने एक डेटा शेयर कर रखा है यहाँ पे, आप इसमें देख लेना पे, स्किन का प्रॉपर टेक्सचर बता रखा है यहाँ पे, जेड मस ग्रो स्किन टेक्सचर के अंदर, कि स्किन का टेक्सचर आप कैसे बना रहे हो। ठीक है, एज इट इज प्रॉपर प्रोसेस आपके पास यहाँ पे। स्किन का टेक्सचर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग कलर। ठीक है, चीज़ों को देखो यहाँ पे अलग अलग, लाइक बेसिक बेसिक कलर पेंट किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, हेयर के बाद आपका अलग है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एज इट प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, ओके ओके ओके, देन यहाँ पे चीज़ों को देखें, यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं यहाँ पे जिनको देखा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बेसिक एक शेप देने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सबसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे बेसिक पार्ट, लाइक बेसिक हम लोग डिफ्यूज से, लाइक हम लोग कलर से हम लोग पेंट कर देते हैं, हमें ऐसा कुछ शेप चाहिए यहाँ पे, और ब्लेंडिंग के साथ, लाइक चीज़ें ब्लेंड है तो काम होगा यहाँ पे। लाइक मैं इसे ऑफ करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डेप्थ देखिए यहाँ पे, जैसे डिफ्यूज मैंने कॉपी कर देता है एज आई डी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक जैसे मेरा शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक मुझे जैसे ब्लेंड करना पड़ेगा, अगर मुझे कलर टोन ऐसा कुछ चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैं देख लूँगा किस टाइप से मुझे काम करना है स्किन टोन के अकॉर्डिंग, लाइक कौन सा स्किन टोन चाहिए मुझे यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे इफ़ यू वॉन्ट। ठीक है, यू कैन ऐड। ठीक है, लेयर सेवन का क्या यूज़ है, ठीक है, लाइक लिप्स का पार्ट। ठीक है, तो देन इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक कलर आप नॉर्मल लेके पेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, और कई ऐसे मैप्स को आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, जो जो मैप्स आपके पास गिवन है यहाँ पे, हल्का सा चीक्स पे हल्का सा कलर दे सकते हो आप यहाँ पे, चीक्स पे, आईब्रो के पार्ट, लाइक जो भी कुछ पार्ट है, बेसिक कलर ऐड ऑन करो और देन चीज़ों को फुलफिल करो। ये गाइस बेसिक मैप्स थे यहाँ पे, इन मैप्स को मैं लाइक रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। अच्छा, डिफ्यूज मैप बिट मैप पे गए, बिट मैप पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एओ बेकिंग ऑल फाइल्स। लाइक
बस ए यू बेकिंग, ए यू बेकिंग, ए यू बेकिंग, ये मैं बस ए यू बेकिंग आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, बस ए यू मैप आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, और सपोज मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के साथ काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफ्यूज़ पे गए, लाइक बिट मैप, बिट मैप पे आ गए हम लोग यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड योर बेसिक डिफ्यूज़ मैप, ठीक है। देन आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एफ, ओके, देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइक बेसिक पार्ट कि किस तरह से हमें मैप को मैनेज करना है यहाँ पे। देन सिंपल सा पार्ट, मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक सपोज 8 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इन्वायरमेंट हल्का सा डार्क से, इस टाइप से हम लोग मैप को देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक कलर विथ टेक्सचर एओ, ठीक है। देन डिफ्यूज, ये प्रॉपर मैप है, इन मैप के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे।